These are corresponding scalar elements के dot products का direction ratios के dot products का sum अगर हम लेते हैं तो that will be equal to zero. जब ये equal to zero होगा तो lines क्या होंगी? That lines होंगी at higher elements. तो उससे पहले जो है हमें जो भी equation given है उनको इस तरह यानी कि जो हमारे x और y के coefficients हैं that should be plus one. अगर हम यहाँ को देखें तो this coefficient of x is minus seven हो गया. Here it is correct. यहाँ पे coefficient of z is minus one. तो हम इनको पहले x y z के form में same way में यहाँ पे x y z के form में लिखेंगे. Then हमें पता है कि जो direction ratios हैं वो हमारे नीचे denominator में exist करते हैं. Corresponding direction ratios के products का sum हम put कर देंगे equal to zero. So first of all rewriting this. तो यहाँ से 7x minus 7 upon 3t पहले मैंने minus बाहर ले लिया. अब मुझे x minus के form में इसको लिखना है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 7 भी बाहर ले लेंगे. यानी कि एक तरफ से मैंने क्या लिखा है यहाँ पे minus 7 हो गया कॉमन. तो minus 7 कॉमन लेके आना है x minus Now this is equal to ये वाला मेरा already correct form में था and this is equal to यहाँ से minus one हम common लेंगे तो this is correct. अब still मुझे यहाँ पे minus seven नहीं चाहिए. This should be of the form x minus x one. तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे again ये वाला minus है यानी कि दोनों numerator denominator को हम minus seven से divide करते हैं. तो this will be x minus seven upon 3t by minus 7 equal to 5 minus 5 upon 1 equal to यहाँ पे minus 1 से multiply कर दिया है इसे तो negative sign होगी. या दूसरे वर्ड में आप ये कह सकते हो minus 7 को जब हम numerator से नीचे लेके आए हैं that will be written as minus 3p upon 7. Same way we will change this. So this can x minus 1 upon minus 3 इसको मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ. नेगेटिव साइन मैंने यहाँ से कॉमन लिया और माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दी. हियर इट विल बी माइनस 3. नाउ दिस इज इक्वल 7 बाय माइनस 14. मुझे प्लस 1 बनाना है यानी कि 7 कॉमन लेना पड़ेगा. तो दिस इज 7 इनटू y माइनस 2 अपॉन 2 p. दिस इज इक्वल टू z minus 3 by 2 ये already इस form में है. तो हमने इसको ले लिया. अब again यहाँ पे मुझे y minus 2 चाहिए तो ये वाला 7 से हम क्या करेंगे divide करते हैं numerator and denominator को. तो ये divide करने के rewrite हो जाएगा आपका y minus 2 upon 2 p upon यहाँ से नीचे denominator. अब देखो मेरे पास डायरेक्शन तो साइंस डायरेक्शन रेशियो है फर्स्ट टाइम के माइनस थ्री पी बाय सेवन वन एंड माइनस वन. सेकेंड है मेरे पास माइनस थ्री टू पी बाय सेवन टू. यानी कि अब जो मुझे दो इक्वेशन गिवन है दैट आर इन द कार्टेशियन फॉर्म. कार्टेशियन फॉर्म में जब मुझे दो लाइंस गिवन है मुझे उनके बीच में एंगल्स निकालना है तो वी यूज टू टेक देयर डायरेक्शन रेशियो. तो फर्स्ट लाइन पे डायरेक्शन रेशियो they are minus 3, 2p by 7 and the direction ratios of second line they are minus 3p by 7. मैंने line जो भी ले ली क्योंकि इनका number हमें given नहीं थी तो हम पूरी तरीके से ले सकते हैं. So these are the direction ratios of the second line. अब वो क्या कह रहे हैं हमें p की value निकालनी है इस तरीके से that both of these lines are perpendicular to each other. So here we have lines are perpendicular to each other. The corresponding product of direction ratios, unka sum equal to 10 minus 3 minus 3 p by 7 plus 2 p by 7 is 1 plus 2 a minus 5 is 0. Simplify this and find the value.
की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। दिस विल बी 9p/7 प्लस 2p/7 इक्वल टू 10 हो जाएगा। ये 9p + 2p तो 11p इज इक्वल टू 70, यानी कि p इज इक्वल टू 70/11। सो फॉर p इक्वल टू 70/11 बोथ ऑफ दीज लाइन्स विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोबारा से देख लो इसको, हमें यहाँ पे गिवन है दो लाइंस गिवन है। वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर कब होंगे? व्हेन उनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम विल बी इक्वल टू जीरो। तो उससे पहले जो है हमने जो हमें गिवन लाइंस थी वो कार्टिजियन फॉर्म में गिवन थी, तो हमने उनको स्टैंडर्ड कार्टिजियन फॉर्म में लिख लिया। यहाँ पे 7 - 7x, दिस इज नॉट ऑफ द फॉर्म x - x1। सेम वे में यहाँ पे दिस इज नॉट ऑफ द फॉर्म z - z1। तो सबसे पहले हमें xyz के कोफिशियंट्स 1 बनाने हैं। तो इसका कोफिशियंट 1 बनाने के लिए, प्लस 1 बनाने के लिए -7 हमने यहाँ से कॉमन लिया। ये आ गया हमारे पास -7 × x - 1/3p। अगेन ये -7 हम डिनोमिनेटर में ले गए, तो x - 1/-3p/7। y - 5/1 ऑलरेडी सेम फॉर्म थी। 6 - z को z - z1 की फॉर्म में लाने के लिए -1 हमने यहाँ से कॉमन लिया। देन ये -1 हम नीचे ले गए, तो z - 6/-5। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई इन द स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्म। सेम वे में हमने ये सेकेंड इक्वेशन बनाई। सेकेंड इक्वेशन में वी वर हैविंग 1 - x/3। x का कोफिशियंट हमारे पास -1 था, उसको +1 बनाने के लिए हमने माइनस से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। सो वी आर हैविंग दिस एज x - 1/-3। सेकेंड इक्वेशन सेकेंड जो पार्ट था इसका, एलिमेंट था, दैट वाज 7y - 14/2p। तो अगेन y - y1 वाली फॉर्म लाने के लिए 7 कॉमन लिया, उसको डिनोमिनेटर में लाए, तो वी हैव गॉट y - 2/2p/7। थर्ड वन ऑलरेडी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में थी, z - z1/c, तो उसको हमने एज इट इज रहने दिया। अब हमारे पास जब हम कार्टेशियन इक्वेशंस को देखते हैं तो हमें पता है जो ये वाली वैल्यूज हैं हमारी, दीज आर a1 b1 c1, दीज आर a2 b2 c2। नाउ द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 इक्वल टू 0। ये आपने किया हुआ है रिजल्ट। सो इस रिजल्ट में वी हैव पुट द वैल्यूज एंड वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ p एज 70/11। So this was your question number 12. Now moving on to question number 13. Exercise आपकी 11.2 है, you know this. Now moving on to question number 13. Question number 13 में वो हमें क्या कह रहा है? Show that the lines x - 5/7 equal to y + 2/-5 equal to z/1 and x / 1 equal to y / 2 equal to z / 3 are perpendicular to each other. Lines perpendicular कब होंगी? जब उनके direction ratios के products का sum will be equal to 0. अब आप इसको देखोगे अगर, तो lines already हमारी जो है वो standard form में है, just y + 2 को आपको rewrite करना पड़ेगा in the form of y - y1। हालांकि उसका कोई यूज नहीं है क्योंकि हम जब डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो डायरेक्शन रेशियोज का ले रहे हैं। जिस पॉइंट से वो पास कर रही है लाइन, उस पॉइंट के एलिमेंट्स का कोई रोल नहीं होता, बट स्टिल वी आर टू राइट इट। सो वी आर हैविंग दिस एज x - 5/7 इक्वल टू y + 2/-5 इक्वल टू z/1 एंड सेकेंड है हमारे पास x/1 इक्वल टू y/2 इक्वल टू z/3। वी आर टू शो दैट दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पे जस्ट सिंपली इसको हम ऐसे लिख लेंगे, यहाँ ये चीज, यहाँ ये, यहाँ ये। इन पॉइंट्स का कोई रोल नहीं है हालांकि सॉल्यूशन में, बट स्टिल यू विल राइट इट डाउन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म।
अब यहां से दिस इज योर ए वन, दिस इज योर बी वन, दिस इज योर सी वन, ए टू बी टू सी टू. लाइन्स विल बी परपेंडिकुलर इफ ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू, इनका सम जो है दैट विल बी इक्वल टू जीरो. तो लाइन्स, बोथ गिवन लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू जीरो. तो आप वैल्यूज पुट करेंगे and you will get your answer. 7 into 1, 7 ones are 7, minus 10 plus 3. So 7 minus 10 plus 3, 10 minus 10 equal to 0. So your this result is true. Hence the lines are perpendicular to each other. So this question you will complete yourself. Now moving on to question number 14. Question number 14 mein we are having, find the shortest distance between the lines. Shortest distance hume nikalna hai between the given lines. अब जो shortest distance है उसके लिए आपको formula पता है, that is given by a2 minus a1 या a1 minus a2, आप दोनों में से किसी भी तरीके से ले सकते हो. इसका dot product with b1 cross b2 and divided by the magnitude of b1 magnitude of b2. This is magnitude of b1 cross b2. So, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट योर आंसर. वैल्यूज पुट करनी है हमने और जो है आंसर हम अपना कैलकुलेट करेंगे. अब क्वेश्चन नंबर में, क्वेश्चन 14 में वी आर गिवन द लाइंस एस, लाइंस हमें गिवन है यहाँ पे अब वेक्टर फॉर्म में. तो वेक्टर फॉर्म में जो लाइंस हैं पुनीता उनको कहना मैसेज डलवा देंगे डी में. सो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस आर इज इक्वल टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप. ये हमें फर्स्ट लाइन गिवन है एंड द सेकेंड लाइन इज आर इज इक्वल टू टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू टाइम्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस टू के कैप. अब ये जो है हमें दो लाइन्स गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स. तो अब डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स निकालने के लिए फॉर्मूला आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड. सो यहाँ पे अब आपको पता है ये फॉर्म है आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वाली. तो दिस इज योर ए वन, दिस इज योर ए टू, this is b1 and this is b2. अब वैल्यूज पुट करो एंड गेट योर आंसर. b1 क्रॉस b2 हम पहले निकाल लेते हैं अलग से. कैलकुलेट करके बताओ मुझे जल्दी से. डिटर्मिनेंट यू नो हाउ टू कैलकुलेट, सो डू इट फास्ट. Hurry up, do it fast. Calculate this b1 cross b2 और इसकी वैल्यू बताइए. Whosoever has calculated can unmute and tell me the answer. बेटे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए कैलकुलेशंस में आपको. माइनस थ्री आई कैप प्लस थ्री के कैप. यस, माइनस थ्री आई कैप प्लस थ्री के कैप. जे वाली टर्म्स आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी. सो दिस इज योर बी वन क्रॉस बी टू. अब आप इसका जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो दैट विल बी माइनस थ्री स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर, दैट इज रूट 18
एंड रूट 18 कैन बी रिटन एज 3√2. अब ए वन माइनस ए टू आपने कैलकुलेट करना है, चाहे ए वन माइनस ए टू ले लो, चाहे ए टू माइनस ए वन ले लो, दैट इज अप टू यू. सो ए वन माइनस ए टू दिस विल बी माइनस आई कैप एंड टू माइनस वन प्लस जे कैप प्लस के माइनस के, ये आपका जीरो के कैप हो जाएगा. तो दिस इज माइनस आई कैप प्लस जे कैप. नाउ पुट द वैल्यूज एंड सिंप्लीफाई एंड गेट योर आंसर. ए वन माइनस ए टू इज माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस जीरो के कैप, वी कैन राइट डाउन. एंड डॉट प्रोडक्ट विद बी वन क्रॉस बी टू इज माइनस थ्री आई कैप प्लस थ्री के कैप. तो जीरो जे कैप हम बीच में ऐड कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो. एंड अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू दैट इज 3√2. नाउ सिंप्लीफाई दिस एंड फाइंड द डिस्टेंस. दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो और डिस्टेंस फाइंड आउट करिए. अब मैंने यहाँ एक मिस्टेक की है, रेक्टिफाई दैट मिस्टेक ऑल्सो. वन मिस्टेक आई हैव मेड इन ए वन माइनस ए टू, रेक्टिफाई दैट ऑल्सो. यस भव्या, आई ए वन माइनस ए टू में मैंने एक मिस्टेक की है. व्हाट इज दैट मिस्टेक? यस मैम. ए वन माइनस ए टू चेक करो, मैंने यहाँ एक मिस्टेक है मेरी. क्या मिस्टेक है? जे की जगह थ्री जे नहीं आएगा क्योंकि जब साइन चेंज होंगे. जे की जगह थ्री जे आ गया. और वन मोर मिस्टेक इज देयर. टू के आ जाएगा साथ. यस प्लस टू के. प्लस टू के, हाँ जी. यस यस. सो दिस इज माइनस आई प्लस थ्री जे प्लस टू के. नाउ सिंप्लीफाई एंड गेट योर आंसर. आंसर बताइए बेटे जल्दी से. डॉट प्रोडक्ट कितना आया? डॉट प्रोडक्ट लो, क्या आएगा? माइनस आई इंटू माइनस थ्री आई, दैट इज प्लस थ्री. थ्री जे कैप प्लस इंटू जीरो, जे कैप इज जीरो. टू and 3, that will give you 6. So this is 9/3√2. So that is equal to 3/√2. अब क्योंकि ये डिस्टेंस है तो यूनिट्स वर्ड आपने आगे जरूर लिखना है. तो the both of the lines are at a distance of 3√2 units from each other. So this is the distance formula. Now moving on to the next one. Ab next question number 14 mein we are given, 13 mein. This was a question number 14. Question number 15 ab hum kar rahe hain. Question number 15 mein we are having find the shortest distance between the lines x plus 1/7, y plus 1/-6, z plus 1/1 and x minus 3/1 equal to y minus 5/-2. इक्वल टू जेड माइनस 7/1. तो यहाँ से अगेन जब आपने डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है तो आप करोगे इसको खुद. मैं जस्ट आपको एक हिंट दे रही हूँ इसका. तो ऊपर वाले जो पॉइंट्स हैं x माइनस के बाद, यू नो दैट आर रिप्रेजेंटिंग द पॉइंट थ्रू विच द लाइन इज पासिंग, यानी कि दैट विल बी योर एक्स वन वाई वन एंड जेड वन. तो वहां से आप ए वन और ए टू निकाल सकते हो. So we are given x plus 1/7 equal to
वाई प्लस वन बाय माइनस सिक्स इक्वल टू जेड प्लस वन बाय वन, एंड सेकेंड है हमारे पास एक्स माइनस थ्री बाय वन इक्वल टू वाई माइनस फाइव बाय माइनस टू इक्वल टू जेड माइनस सेवन अपॉन वन. तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार ये बोर्ड में आया हुआ है. तो यहां से हम क्या करेंगे, ए वन बी वन ए टू बी टू निकाल लेंगे. अब ए वन की जब हम बात करेंगे तो ऊपर वाले एलिमेंट्स विद रिवर्स्ड साइन, प्लस में गिवन है तो माइनस ले लोगे. सो दिस विल बी माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप. बी वन आ जाएगा हमारा यहाँ से सेवन आई कैप माइनस सिक्स जे कैप प्लस के कैप. ए टू आएगा आपका थ्री आई कैप प्लस फाइव जे कैप प्लस सेवन के कैप, एंड बी टू विल बी आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप. जो ऊपर वाले हैं इनका साइन उल्टा लेना है, प्लस है तो माइनस लो, माइनस है तो प्लस लो. दिस विल गिव यू योर वेक्टर ए वन, जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है और जिस लाइन के पैरेलल है, दैट विल बी गिवन बाय दीज डायरेक्शन रेशियोज. तो क्योंकि हम इनके पोजीशन वेक्टर वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिख रहे हैं, सो आई कैप जे कैप के कैप के साथ लिखोगे. सेम वे में माइनस थ्री था प्लस थ्री लिया, माइनस फाइव का प्लस फाइव एंड माइनस सेवन का प्लस सेवन, आई कैप जे कैप के कैप साथ में लगा दिया, तो ये हमारे पास वेक्टर ए टू बन गया. एंड देन पोजीशन वेक्टर ऑफ बी टू दिस जिसके वो पैरेलल है, दैट विल बी गिवन बाय दीज वन माइनस टू वन थ्री डायरेक्शन रेशियोज इसके. सो जो हमारे पास ये वेक्टर आ गया, दैट इज आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप. अब फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन डॉट प्रोडक्ट विद बी वन क्रॉस बी टू डिवाइडेड बाई द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू, और उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है आपने, तो इसीलिए हमने मॉड्यूलस के साइन में लिया था उसको पॉजिटिव वैल्यू, बिकॉज डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव. सो दिस कंप्लीशन ऑफ दिस क्वेश्चन यू विल डू योर सेल्फ. आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल सिमिलर है, सो अगेन दैट इज योर होमवर्क पार्ट. एंड क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में देखो आपको अब वो उन्होंने मर्ज्ड फॉर्म में दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 17 में वी आर गिवन वन माइनस टी इंटू आई कैप प्लस टी माइनस टू जे कैप प्लस थ्री माइनस टू टी इंटू के कैप, और सेकेंड जो है वो हमें गिवन है एस प्लस वन इंटू आई कैप प्लस टू एस माइनस वन इंटू जे कैप माइनस टू एस प्लस वन इंटू के कैप. तो हम क्या करेंगे, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. ये आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी जो है वो हमें मतलब गिवन है, और उसकी मर्ज्ड फॉर्म यू कैन से गिवन है. तो इसको हम आर इज इक्वल टू ए प्लस टी टाइम्स बी की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ लेमडा की जगह टी आपका आ रहा है. तो टर्म्स हम ले लेंगे विदाउट टी वाली पहले. तो विदाउट टी वाली आपकी टर्म्स हैं वन इंटू आई कैप देन माइनस टू इंटू जे कैप. सो ये हो गया आई कैप माइनस टू जे कैप एंड प्लस थ्री इंटू के कैप. अब टी वाली टर्म्स ले लेंगे, तो माइनस मैंने बाहर ले लिया, तो माइनस टी मैंने बाहर ले लिया, तो ये बन गया मेरा आई कैप. उसके बाद टी जे था, माइनस टी मैंने बाहर लिया हुआ है तो माइनस जे कैप, और माइनस टी हमने बाहर लिया हुआ है तो प्लस टू के कैप. सो आई होप दिस स्टेप इज क्लियर टू यू. हमने एक तरह से क्या किया, टर्म्स विदाउट आई टी एंड टर्म्स कंटेनिंग टी वो हमने अलग कर ली, तो ये हमारी फॉर्म बन गई आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी. सेम वे में यहाँ हम करेंगे टर्म्स विदाउट एस इकट्ठी और टर्म्स कंटेनिंग एस अलग. एस इंटू आई कैप यहाँ पे प्लस टू जे कैप माइनस टू के कैप. सो अगेन दिस इज ऑल्सो ऑफ द फॉर्म आर प्लस म्यू टाइम्स बी. सो ये हो गया आर इक्वल टू ए वन प्लस लैम्डा टाइम्स म्यू बी वन, आर इज इक्वल टू ए टू प्लस लैम्डा टाइम्स म्यू टाइम्स बी टू. अब ए वन ए टू है आपके पास ये,
बी वन बी टू है आपके पास ये, बट एक चीज का आपने अब यहाँ ध्यान रखना है, इसको प्लस की फॉर्म में लेना है तभी वो आपका कन्वर्ट होगा। सो प्लस टी ले लो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ माइनस टी। अब ये आर इक्वल टू ए प्लस ए वन प्लस लैम्डा टाइम्स बी वन, आर इक्वल टू ए टू प्लस लैम्डा टाइम्स बी टू, ये हो जाएगा आपका, दिस विल बी योर ए वन, ये होगा ए टू, दिस विल बी बी टू एंड दिस विल बी बी वन। तो फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करो एंड सिंपली गेट योर आंसर। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 17। विद दिस आर दिस टॉपिक इज ओवर। सो स्टिल वी आर हैविंग 10 मिनट्स, सो वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर। प्लेन है हमारा। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है देखो, उसमें हमें गिवन है फाइंड आउट करनी है इक्वेशन ऑफ प्लेन। यहाँ हम फाइंड आउट कर रहे थे इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करने के हमारे पास टू वेज थे। फर्स्ट वे था हमारे पास जब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है और हमें गिवन है कि लाइन इस एक पॉइंट से पास कर रही है और इस लाइन के या इस वेक्टर के पैरेलल है, तो हम फॉर्मूला लगा लेते थे आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी। उसके बाद जो हमें सेकंड गिवन था इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करने के लिए कि लाइन इन दो पॉइंट्स से पास कर रही है, ए और बी जो है हमें उनके पोजीशन वेक्टर्स दे दिए जाते थे, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए। सेम वे में प्लेन के लिए हमें कंडीशंस गिवन होंगी। अगेन डेरिवेशंस आर नॉट देयर, यू आर टू जस्ट गो थ्रू द फॉर्मूलाज, जो भी इनके रिजल्ट्स हैं वो आपने देखने हैं। अब प्लेन में हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करने के थ्री वेज हैं, यानी कि थ्री डिफरेंट कंडीशंस के बेसिस पे हम इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन जो है हमारी इसकी क्या है कि प्लेन, हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है और जो नोन क्वांटिटीज हैं वो क्या है, हमें गिवन है नॉर्मल टू द प्लेन गिवन है और प्लेन का जो ऑरिजिन से डिस्टेंस है वो हमें गिवन है। नॉर्मल टू द प्लेन दैट इज गिवन बाय वेक्टर एन, हमें नॉर्मल टू द प्लेन गिवन है और साथ में हमें क्या गिवन है, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ऑरिजिन। दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन और ये हमें गिवन है नॉर्मल टू द प्लेन। तो जो हमें नॉर्मल टू द प्लेन गिवन होगा, पहले हम उससे क्या करेंगे, उसका नॉर्मल का यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, यानी कि वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट यूनिट नॉर्मल वेक्टर सिंपली। देन आपका जो रिजल्ट होगा इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट विल बी गिवन बाय आर इज इक्वल आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। डी यहाँ पे डिस्टेंस है तो ऊपर वेक्टर का साइन नहीं लगेगा। आर डॉट एन क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो एन के ऊपर कैप आ गया, दिस इज इक्वल टू डी। अब अगर इसी की हम बात करें कि जो है इसको, ये वेक्टर फॉर्म हो गई आपकी, अगर इसी में हमने जो है निकालनी होती है कार्टीजियन फॉर्म, तो इसमें कार्टीजियन फॉर्म निकालने के लिए यू नो कि आपको जो है डायरेक्शन को साइंस गिवन होंगे एल एम एन की फॉर्म में, तो उस केस में जो है आपकी जो इक्वेशन ऑफ प्लेन बनेगी इन इफ द डायरेक्शन को साइंस आर गिवन टू यू, तो वो आपकी इक्वेशन बनेगी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन डी, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। तो यहाँ पे ये चीज आपकी चेंज हो जाएगी क्योंकि यूनिट वेक्टर आपको गिवन है आर, आपको मैंने बताया था आर जब भी लेना है आपने आपने यही लेना है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर है तो इट मींस डायरेक्शन कोसाइन्स आपको गिवन है कि उनके स्क्वायर्स का सम इक्वल टू 1 बन रहा है। सो जब आप इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो दिस विल गिव यू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। तो दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म। सो अगेन गिवन क्या क्या होगा हमें इसमें, गिवन होगा नॉर्मल टू द प्लेन और डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ऑरिजिन, ये दो चीजें हमें गिवन होंगी।
जब हमने वेक्टर इक्वेशन निकालनी है तो आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, यूनिट वेक्टर आपको पहले निकालना पड़ेगा अगर गिवन नहीं है, और अगर आपको कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है तो पहले आपको डायरेक्शन को साइंस निकालने पड़ेंगे जो भी नॉर्मल आपको गिवन है उसके। सो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी वाली फॉर्म से आप इसको निकाल सकते हो। लेट अस टेक वन एग्जाम्पल। क्वेश्चन हमें गिवन है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6/√29 फ्रॉम द ओरिजिन। वेक्टर इक्वेशन हमें निकालनी है प्लेन की, जिसका ओरिजिन से हमें डिस्टेंस जो गिवन है दैट इज गिवन टू बी 6/√29 यूनिट्स, एंड नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन इज 2i-3j+4k। अब देखो दो चीजें, ये वाली गिवन है, नॉर्मल टू द प्लेन मुझे गिवन है एंड डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ऑरिजिन गिवन है। फॉर्मूला मुझे पता है, अगर मुझे वेक्टर इक्वेशन निकालनी है आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, तो एन कैप निकालने के लिए हमें पता है कि वेक्टर को जब हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो वी गेट द नॉर्मल वेक्टर। तो अब हम इसको जब डिवाइड करेंगे सो वी विल बी हैविंग 2i-3j+4k। इसका मैग्नीट्यूड विल बी 2² + -3² + 4² सो दिस विल बी 16/925√29। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गई है आपकी आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, दिस इज योर एन कैप। आर डॉट हो गया ये आपका n cap is 2i-3j+4k/√29 and the distance आपको given है that is again 6/√29, so this is your required equation. Now moving on to इसी में example 14 देखो। example 14 में same चीज है, just आपको जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया उन्होंने। अब वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन आर डॉट 6i-3j-2k+1=0 पासिंग थ्रू द ओरिजिन, कि ये ओरिजिन से पास कर रहा है एक तो, और सेकेंडली वो क्या कह रहे हैं आपको कि जो इसकी मतलब जिस प्लेन के ये परपेंडिकुलर है वो आपको क्या गिवन है आर डॉट 6i-3j-2k+1=0। अब यहाँ पे एक चीज का आपने ध्यान रखना है, जब आप इसको लेते हो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, तो जो आपका डिस्टेंस है दैट शुड बी ऑन द राइट हैंड साइड एंड इट शुड बी पॉजिटिव। अगर डिस्टेंस आपको राइट हैंड साइड पे नहीं गिवन, लाइक वी आर गिवन इन दिस केस, यहाँ पे हमें आर डॉट एन वेक्टर +1=0 गिवन है, तो +1 को आप राइट हैंड साइड पे ले जाओगे बट दैट विल बिकम -1, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड पे जो ये वाला आपका वेक्टर होता है इसके साइंस आप चेंज कर देते हो। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में हम आर डॉट लेके चलते हैं, इसके साइंस नहीं चेंज करेंगे हम, यहाँ वाले जो आपके होंगे डायरेक्शन रेशियो या कोसाइंस जो भी आपको गिवन होंगे हम उनके साइंस जो है चेंज कर देते हैं। सो यहाँ पे आप ले लोगे डायरेक्शन कोसाइंस, मैं एक बार आपको यहाँ पे इक्वेशन लिख देती हूँ फॉर दोज हु आर नॉट हैविंग द बुक इन फ्रंट ऑफ देम, ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। हमें गिवन है आर डॉट 6i-3j-2k+1=0। अब यहाँ देखो हम यहाँ पे क्या लेके चलते हैं, हमने यहाँ पे लेके चलना होता है यूनिट वेक्टर। अब मैं अगर इसको देखूं तो मुझे यहाँ पे 6i-3j-2k यूनिट वेक्टर मुझे कहाँ से पता लगता है कि उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। पर मैं अगर इसको देखूं तो यहाँ पे 36+9 45+2 49 49 जो है अंडर द रूट दैट इज नॉट इक्वल टू 1, तो इट मींस ये मुझे डायरेक्शन को साइंस के साथ, यानी कि ये मुझे यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर नहीं गिवन है, तो मुझे इसको
कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, डायरेक्शन को साइंस ऑफ यूनिट वेक्टर निकालने हैं परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो ये यूनिट वेक्टर मेरा यहाँ पे क्या गिवन है, 6i कैप -3j कैप -2k कैप। बट इसको भी अभी मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगी, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो डी है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, आई हैव टू चेंज इट टू द राइट हैंड साइड, ब्रिंग इट टू द राइट हैंड साइड। सो दिस विल बी -3j कैप -2k कैप। ये नॉर्मली बच्चे गलती करते हैं, तो इसका ध्यान रखना है। ये प्लस वन आप इधर ले जाओगे, दिस विल बिकम माइनस वन। अब ये क्योंकि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डिस्टेंस शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो नेगेटिव साइड से, मतलब नेगेटिव माइनस वन से आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आर को हमने नहीं छेड़ना है, आर हमारा एज इट इज रहेगा, जो माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा वो ये होगा। सो दिस विल बिकम -6i कैप +3j कैप +2k कैप = 1। अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, तो इसमें ये मेरा यूनिट वेक्टर नहीं है, दिस इज सिंपली द वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर गिवन टू द प्लेन। तो नॉर्मल का यूनिट वेक्टर उसने कहा निकालने के लिए, तो यूनिट वेक्टर यू नो हाउ टू कैलकुलेट, दिस इज गिवन बाय दिस। तो अब यहाँ पे आप सिंपली इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, √14।